कभी आपने देखी होगी क्या ऐसी हल्दी सेरेमनी? ऐसी हल्दी की सेरेमनी तो सिर्फ इश्कबाजों की टोली ही कर सकती है। अब जब टोली निकली है तो होली का माहौल तो बनेगा ही। जरा देखिए हल्दी के इस फंक्शन को कैसे होली में तब्दील कर दिया गया। रंग होता है हल्दी का शुभ रंग। इस पीले रंग से आज इश्कबाज होली खेल रहे हैं। कहने को तो शिवाय और अनिका की हल्दी हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी पापा से लेकर चाचा चाची तक हर कोई लगा है अपनी ही हल्दी को याद करने में। हल्दी का फंक्शन है पर लग ऐसा रहा है कि होली हो रही है, पर अभी हमारे शो पे थोड़ी हल्दी की सेरेमनी को होली बना दिया गया है, तो हम लोग होली खेल कर हटे हैं। And that's why this color. वाह क्या नजारा है! ऐसा नजारा तो इश्कबाजों के घर ही देखने मिलता है। अब देखिए ना, हल्दी की सेरेमनी होती है तो आम तौर पर पीले रंग का ही लिबास दिया जाता है हर किसी को पहनने के लिए, लेकिन जनाब ये इश्कबाज है, यहाँ पर हर चीज थोड़ी सी हटकर होती है। पिंक व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन सच में आज इश्कबाजों पर खूब जम रही है। I can take the liberty of saying कि हमें कोई बीट नहीं कर सकता। इश्कबाज dresses up fantastically and हमारे dress designers I think हमारे सपने पूरे कर रहे हैं। जैसे ही शिवाय को हल्दी लगने की रस्म शुरू हुई, दादी तो बेचारी इमोशनल हो गई। अब क्या करे, पोते की जिंदगी में खुशी का मौका आया है तो दादी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। Of course, उत्सुकता हो रही है, मैं मतलब मर रहा हूँ उसे मिलने के लिए। एंड वो वैसे ही कुछ सीन कर रहे हैं कि फाइनली जब सब लोग बिजी है बादशाह की परफॉर्मेंस में, मैं अनिका को साइड पे ले जाऊंगा और जो मैं करता वही करूंगा। इधर हल्दी से होली खेली जा रही है तो उधर अनिका शर्मा रही है, थोड़ी सी घबरा रही है। अब अनिका आप तो एकदम बिंदास लड़की है, ऐसे में ये शर्माना वरमाना थोड़ा आपको सूट नहीं करता है। आ जाइए ना अपने एकदम फुल ऑन अवतार में। कुल मिलाकर अब रॉयज में अनिका और शिवाय की हल्दी सेरेमनी अच्छे से शुरू हो गई। हर कोई अपने ही रंग में डूबा हुआ था। अगर कोई उदास है तो वो है पिंकी रानी। बिल्कुल अड़ी हुई है इस बात पर, उसको कोई कुछ भी लाइफ में नथिंग टचेस हर। शी इज बिकम सो हार्ड हार्टेड बट ओवर पोजेसिव अपने बेटे को लेकर कि अनिका को तो पता नहीं, एक आंख नहीं भाती अनिका उसे। हाँ पिंकी जी, आप अपने होश मत उड़ाइए क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। अनिका आपके घर की बहू थी और है और हमेशा रहेगी। आपके सोचने वोचने से कुछ नहीं होने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।